कुमाऊं रेंज के आईजी नीलेश्वर आनंद भरड़े ने दोबारा से बीट पुलिसिंग को एक्टिव करने का कार्य किया है। इसके लिए उन्होंने 6 जिलों के 607 बीट पर सिपाहियों को कानून व्यवस्था और आपराधिक गतिविधियों पर निगरानी जैसे कार्यों की जिम्मेदारी दी है। आईजी ने कहा है कि सालों बाद दोबारा से बीट पुलिसिंग को एक्टिव किया जा रहा है, जिससे घर घर तक पुलिस की पहुँच हो और अपराध पर लगाम लगाई जा सके। इसके लिए सभी 20 कर्मचारियों को अपनी बीट पर बैनर लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं, जिसमें बीट अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर अंकित होगा और किसी भी समस्या के लिए पुलिस की मदद ली जा सकेगी। उन्होंने बताया कि बीट अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं और सभी बीट अधिकारियों की हर महीने समीक्षा होगी। वहीं समीक्षा के आधार पर ही उनका अप्रेजल भी तय किया जाएगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। नहीं ऐसा नहीं, कुछ ये नहीं पता रहता कि जो नई स्थानांतरण नीति आई उसके बाद कई जो है पहाड़ से प्लेन, प्लेन से पहाड़ कई स्थानांतरण हुए। अब इसके बाद जो है हमारी जो है लगभग अभी सेटल हो चुके जो सिपाही आने थे, अब कोई स्थानांतरण नहीं हुआ। लंबे समय तक सिपाही अभी अपनी जगह बने रहेंगे। तो अभी जो ये कुछ नए थाना चौकी सैंक्शन हुए, हमारी एक आगे ई बीट पुलिसिंग भी आएगी, तो इसके लिए हम तैयारी के लिए अभी बीट सिस्टम हमने लागू कर दिया है, जिसमें हर बीट में जो है कम से कम 2 कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। बड़ी बीट है तो 3 कर्मचारी भी तैनात किए जाएंगे। चीता मोबाइल को भी बीट दी जाएगी।